अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं अपने मायके आ गई थी और कुछ दिन पहले की ये वीडियो है, काफ़ी दिन पहले की एक्चुअली, मैं रखी हुई है मेरे पास, जो कि मैं अभी एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ। ये है हमारी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन की वीडियो, जो कि हमने पिज़्ज़ा पार्टी की थी वहीं पर। और ये मेरी सिस्टर हैं, सबसे छोटी वाली, और अभी इन्हीं की शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हैं, और बाकी मेरी दो सिस्टर की शादी हो चुकी है। तो एक पिज़्ज़ा मैंने यहाँ पर बनाने के लिए ये रख दिया था, जो कि रेडी हो चुका है बिल्कुल। और बाकी के पिज़्ज़ा जो थे वो मेरी सिस्टर ने बनाए थे, जो जो भी आते जा रहे थे उनके लिए हम पिज़्ज़ा बनाते जा रहे थे। और बेस हम लेकर गए थे, सारा सामान वगैरह हम लेकर गए थे, बाहर के पिज़्ज़ा से बेटर है हमने घर पर ही बनाया था। और एक नई चीज़ और हमने इसमें ऐड की थी, हम कॉर्न्स भी लेकर गए थे, और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे पिज़्ज़ा। और ऊपर से मेरी सिस्टर ने इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर दिया है। और ये दोपहर का टाइम था और ये पिज़्ज़ा भी रखा हुआ है, स्लाइस कर दिए हैं इसके, ये देखें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था ये। और साथ में मेरी सिस्टर ने बनाई थी बिरयानी, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा यमी बनाती हैं। और एक पिज़्ज़ा और यहाँ पर इतनी देर के लिए हमने रख दिया था बनने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे फेवरेट इस सीज़न के अमरूद हैं, जो कि मैं खाना खाने के बाद में खाने वाली हूँ। और अभी हम लगे हैं खाना खाने के लिए। और ये है एक मेरा बेटा, जो कि ये देखें, इसने ये जो रूम हीटर है उसको वहाँ पर प्लग लगाया था अंदर वाले, और वो प्लग ही पूरा मेल्ट होकर बाहर आ गया। और ये उसने बहुत ज़्यादा शैतानी करता है वहाँ पर जाके अपनी नानी के यहाँ पर। और अभी हम जाने लगे हैं दूसरे वाले घर में, जो कि जस्ट अभी मेरे भाई ने बनाया है न्यू घर, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है घर, कम वो काफ़ी ज़्यादा उसने गैराज टाइप का बनाया है, अपने काम के पर्पज़ से भी बनाया है, इन फ्यूचर कभी यूज़ में भी लिया जा सकता है, कोई गेस्ट वगैरह आए यहाँ पर हमारे यहाँ पर ज़्यादा हो जाए, शादी फंक्शन वगैरह अटेंड करने के लिए आए, तो रात में हम उनको यहाँ पर भी आसानी से ठहरा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्पेशियस था, काफ़ी बड़ा था। और ये अभी मेरी छोटी वाली सिस्टर है, वो लॉक खोलने की कोशिश कर रही हैं, बट हमसे ये वाला लॉक नहीं खुलाता, तो हमने दूसरे साइड वाला, जो कि स्टेयर्स उधर से हैं दूसरी साइड से, तो वहाँ से अम्मी जो हैं वो लॉक खोल रही थी। और ये देखें ये दोनों, और ये छोटी वाली खाला हैं, और इसकी सभी खाला हैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत करती हैं। और जब खाला इसके पास होती हैं तो इसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। और यहाँ पर अभी हम आ गए थे क्योंकि गेट जो फ्रंट वाला है वो ओपन नहीं हुआ था, बड़ा वाला गेट, और ये स्टेयर्स जा रही थी यहाँ से, और एक अंदर को यहाँ पे गेट जा रहा था, तो हम इधर से अंदर को आ गए थे अंदर की साइड। और यहाँ पर ये देखें, ये पूरा इस तरह से हॉल बनाया हुआ था। और यहाँ पर अभी कुछ गेट वगैरह जो थे यहाँ पर लगने थे, और जिसका काम हुआ था यहाँ पर, तो सारे में जो लकड़ी वगैरह है वो यहाँ पर कूड़ा हो गया था उससे, और बोर्ड वगैरह भी लग चुके हैं यहाँ पर, बट अभी मीटर यहाँ पर नहीं लगा था, तो इसलिए यहाँ पे अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा मन लग रहा था, काश ये गेट ओपन हो जाता तो और भी ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं यहाँ पर, बट कोई नहीं। और ये देखें, इतना क्लीनिंग वगैरह करने की जो हम मेरे अंदर क्वालिटी वगैरह आई हैं वो सारी हैं हमारी अम्मी से, जो कि हमारी अम्मी हैं वो बहुत ज़्यादा उनको सफाई पसंद है। और यहाँ पर जैसे कि अभी काम होना बाकी था, फिर भी अम्मी यहाँ से क्लीनिंग कर रही हैं, यहाँ से झाड़ू वगैरह यहाँ से लगा रही थी, और इतनी ज़्यादा डस्ट यहाँ पर उड़ रही थी। और ये देखिए अपनी नानी के साथ ये भी लगा हुआ है अपने से ज़्यादा लंबी झाड़ू लेकर, और वो भी उनके साथ क्लीनिंग कर रहा है, ये देखे, और दोनों लगे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुटन सी हो गई थी क्योंकि फ्रंट वाला गेट जो है वो ओपन नहीं हुआ था, और डस्ट यहीं पर घूम रही थी उड़ के।
और थोड़ी देर बाद में अम्मी और मेरा बेटा दोनों भी ऊपर आ गए थे। और यहाँ पे भी अम्मी बता रही थी कि वो यहाँ से साफ़ करके जा चुकी थी, बट यहाँ पर भी मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा फेंकी हुई थी बच्चों ने ये देखे। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी छत थी और काफ़ी ज़्यादा खुला खुला यहाँ पर महसूस हो रहा था, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पर, काफ़ी अच्छा माहौल था एकदम शांत। और ये मस्जिद थी जो कि अभी बन रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जैसे ही हम ऊपर आए और वैसे ही सारे बच्चे जितने भी थे मोहल्ले के वो सारे ऊपर आ गए थे, छोटे छोटे बच्चे ये देखे, और यहाँ पर आकर खेलने लगे। और ये क्यूट सी लड़की थी और इसका मैं नाम अभी भूल रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, छोटी सी, और ये भी चढ़ के ऊपर आ गई थी स्टेयर से। और ये देखें, और हमने बहुत सारी मस्ती की बच्चों के साथ। और जो खुली छतें होती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें, ये छोटी सी मेरे साथ इधर उधर घूम रही थी और अम्मी आ गई हैं अपनी झाड़ू लेकर यहाँ भी, और यहाँ से भी वो साफ़ कर रही थी। और ये देखें कितनी क्यूट लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये। और इतने सारे बच्चे देखकर मेरे बेटे का भी बहुत ज़्यादा मन लग गया था। वो कह रहा था मुझसे कि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं मिलेंगे, उसको कोई फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर इतने सारे बच्चे आ गए थे तो उसका बहुत ज़्यादा मन यहाँ पर लग गया था। और वो भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। और हमें आते आते यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ से आते आते घर के लिए, और हमारा जो घर है वो थोड़ी ही दूरी पर है यहाँ से, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। तो अभी इसलिए हम आराम से यहाँ पर थे, हमें 5 मिनट लगता है जाने के लिए। और ये सारे बच्चों के साथ हम कर रहे थे मस्ती। ये देखें मेरा बेटा, इसको मज़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा क्योंकि इसको बच्चे मिल गए थे काफ़ी सारे साथ में खेलने के लिए। तो ये देखें, मैं बच्चों की थोड़ी सी वीडियो बना रही थी तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा शाय हो रहे थे। और ये देखें मेरी सिस्टर को हम नीचे आ गए थे और ये उस क्यूट सी बच्ची के साथ खेल रही थी। उसको छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी छोटी वाली सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम सभी जो मैरिड वाली सिस्टर हैं सारी, उनके सभी बच्चों को ये बहुत ज़्यादा लाड करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये देखें मेरा बेटा है और ये सारे बच्चे सभी यहाँ पर खेल रहे हैं। और कभी कभी मन होता है बच्चों को भी खेलने देना चाहिए ऐसी जगह पर। और ये देखिए हम बहुत ज़्यादा देर तक, और काफ़ी देर हो गई थी इसको खेलते हुए, बच्चे भी चले गए थे और मस्जिद वगैरह, और उसके बाद में भी वो खेल रहा था। और वहाँ से आने के बाद फिर हमें मार्केट का थोड़ा सा कुछ काम था, मामू के बेटे की शादी थी, छोटी मोटी शॉपिंग जो रह गई थी। हम मार्केट आए हुए थे अभी, हम पहले खाला के यहाँ आए थे, खाला की बेटी को हमने अपने साथ ले जाना था मार्केट। और ये देखें मेरी खाला की बेटी हैं जो कि खाला हैं, मेरी चाची भी हैं वो ही, तो हम उनका भी घर थोड़ी दूरी पर है हमसे, तो हम ऐसे ही पैदल ही आए थे। और पहले सबसे पहले हमें चूड़ियाँ ख़रीदनी थी, तो हमने बैंगल्स ली थी काफ़ी सारी यहाँ से अपने सूट की मैचिंग। और ये वाले जो बैंगल थे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बट मैंने अभी नहीं लिए क्योंकि काफ़ी सारे हैं मेरे पास और फिर उनको रखने की मेरे पास अभी जगह नहीं थी। और यहाँ पर आए थे कुछ लेसिस वगैरह मुझे लेनी थी यहाँ से, तो लेसिस वगैरह हमने यहाँ से ले ली थी। उसके जस्ट सामने जो कि हम सभी का फेवरेट गोलगप्पे जो यहाँ पर बिकते हैं, यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं वो भैया, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा हमने यहाँ पर, ये देखें। और अभी जैसे कि रात हो गई थी, बाय लक हमको मिल गए थे गोलगप्पे, बट इस टाइम यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं गोलगप्पे, तो अभी थोड़े से बचे हुए थे। तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर हैं उनका गला ख़राब था तो उन्होंने मना कर दिया था खाने के लिए, और इसलिए मेरी जो खाला की बेटी हैं और मैं, हम दोनों ने खाए थे यहाँ पर गोलगप्पे, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनाते हैं गोलगप्पे। हमने भी थोड़ा लिमिट से खाए थे क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है और फिर गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है इस टाइम,
कुछ इस तरह की चीज़ खाने से। और उसके बाद हम कॉस्मेटिक का कुछ सामान लेने के लिए आ गए थे, रिंग्स वगैरह हमें लेनी थी, कुछ फाउंडेशन वगैरह, कोई छोटी मोटी चीज़ें, नेल पेंट वगैरह, नेल पेंट रिमूवर, बहुत सारी चीज़ें हमें लेनी थी। तो ये मेरी जो रिंग है वो भैया उसको एडजस्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक साइड से उन्हें कट करना था, तो वो पूछ रहे थे कि आपको अगर पसंद है तो मैं इसको कट कर देता हूँ। और ये सभी रिंग्स थी, काफ़ी अच्छी अच्छी रिंग्स थी इनके पास, और काफ़ी अच्छे प्राइस में इन्होंने दी थी मुझे। एक रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, वो मैंने ले ली थी, सिल्वर कलर की वो रिंग थी, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास चीज़ें अच्छी थी। ये देखें, ये सारी चीज़ें हमने बाय की थी, और ये कुछ नेल पेंट रिमूवर वगैरह, ये सब चीज़ें मेरी सिस्टर ने कुछ, मैंने एक दो ये ली थी, और थोड़ा सा क्रॉकरी का सामान भी मैंने लिया था, एक कैसरोल लिया था, फोर्क लिया था, स्पून ली थी, और एक स्पून का स्टैंड लिया था मैंने। और उसके बाद में हम घर आ गए थे, तो खाला ने खाना बना के रेडी किया हुआ था और हमने आके खाया था खाना। और ये मेरे खाला के बेटे हैं, जो सबसे बड़े बेटे हैं मेरी खाला के, और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। और ये एक डॉक्टर हैं और एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं माशाल्लाह से। और ये मेरी सिस्टर हैं जो कि खाला की बेटी हैं, और खाला जी के दो बेटे हैं और एक बेटी हैं, और बहुत प्यारी सी फैमिली है, बहुत ही अच्छे हैं सभी लोग। और अभी हम खाना खाने लगे थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी खाला ने बना के रखा था, और मार्केट में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो खाला जी ने और मेरे भाई ने भी खाना नहीं खाया था, साथ में ही हम सब ने खाना खाया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम आ गए थे, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने बुरके के ऊपर से भी जैकेट पहना हुआ था, और हम आ गए थे घर। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Wow, oh, something.